अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है हाई ब्लड प्रेशर का नुस्खा। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा मसला बना हुआ है जिसके आपको तकरीबन हर घर में एक दो मरीज़ तो मिल ही जाएंगे। दोस्तों, ये नुस्खा हाई होने वाले ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इंशाल्लाह शर्तिया इलाज है। बहरहाल शिफा मन जाना भी अल्लाह होती है, लेकिन ये छोटा सा नुस्खा आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, जब आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए तो सदका जारिया समझकर ये नुस्खा दूसरों को भी बताएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो दोस्तों, नुस्खा के अज्जा नोट कर लें, बहुत ही आसान नुस्खा है। नंबर एक, धनिया खुश्क। नंबर दो, चंदन, जिसको छोटी चंदन भी कहते हैं। नंबर तीन, संदल सफ़ेद। दोस्तों, सिर्फ ये तीन अज्जा हैं, तीन दवाइयां हैं, ये तीनों आपने 100-100 ग्राम लेनी है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके कूट छान के मिसले गुबार कर लें और फुल साइज़ कैप्सूल, खाली कैप्सूल पंसार से मिल जाते हैं, वो फुल साइज़ कैप्सूल आपने इनके भर लेने और सुबह शाम अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पानी के साथ एक एक कैप्सूल खाते रहना है। इंशाअल्लाह आपका एक से दो दिन में ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, जब ब्लड प्रेशर लो होने लगे तो इस दवा को तर्क कर दें, इंशाअल्लाह आपको फिर कभी ब्लड प्रेशर का मसला, हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ नुस्खा आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।